ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा, कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर ड्रग्स मामले में एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के करीबी है और ड्रग्स के फर्जी मामलों को बनाकर करोड़ों रुपए की उगाही करते हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि फडणवीस कह रहे हैं कि मेरा संबंध अंडरवर्ल्ड से है। अगर ऐसा है तो जब वह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मेरे खिलाफ जांच क्यों नहीं करवाई। नवाब मलिक ने फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के एक कथित ड्रग्स तस्कर से संबंध होने का दावा किया था, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने फुलझड़ी का जवाब बम से देने की बात करते हुए दीपावली के बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड संबंधों का पर्दाफाश करने का दावा किया था। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। हमें लगता है कि एक राज्य का मुखिया अगर उसको जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति नेता किसी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसी समय कार्रवाई करते और मुझ पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमें लगता है कि जो सच्चाई सामने आ रही है उसको लेकर कोई हवा में तीर मार देने से मामला बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वही एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पहनावे पर हमला बोलते हुए नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े 10 करोड़ के कपड़े पहनते हैं, वह 70,000 की शर्ट और 50 लाख की घड़ी पहनते हैं। मलिक ने कहा कि वह रोज नए कपड़े पहनते हैं। वानखेड़े के जूते 2.5 लाख रुपए की कीमत के होते हैं। मलिक के मुताबिक वानखेड़े के कपड़ों की कीमत पीएम मोदी के कपड़ों से भी ज्यादा है। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1,500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून 1,00,000 रुपए की, पट्टा 2,00,000 रुपए का, जूता 2,50,000 रुपए का, घड़ी 50,00,000 रुपए की, 25,00,000 रुपए की, 30,00,000 रुपए की। एक अपराइड अफसर, वे सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? महंगे कपड़ों को लेकर नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने कहा कि जहां तक मेरे महंगे कपड़े पहनने की बात है तो ये केवल एक अफवाह है, उनकी जानकारी कम है और उन्हें इस बारे में और पता करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें जाल में फंसाने की कोशिश करने वाले लोगों ने हमारे खिलाफ मुंबई पुलिस में फर्जी शिकायत की थी जिसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। उसके बाद ड्रग पेडलर्स ने मेरे परिवार को फंसाने की कोशिश की, ऐसी कोशिशें चल रही है, इसके पीछे ड्रग माफिया का हाथ है। वही समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने उनकी संपत्ति को लेकर ट्वीट कर बताया कि समीर की पूरी संपत्ति उनकी माँ की बनाई हुई है, जब वह जिंदा थी। समीर के पास वो 15 साल की उम्र से है। नियम के मुताबिक सभी दस्तावेज हर साल सरकार को सौंपे जाते हैं, वो बेनामी नहीं है। क्रांति वानखेड़े ने कहा कि सावन के अंधे को हरियाली दिखाई देती है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।